गाइस वेलकम बैक टू अमेजिंग कमलिका। यूजुअली मैं इस चैनल्स में शॉर्ट्स ही अपलोड करती हूँ, लेकिन आज एक बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक। मैं एक्चुअली आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यस, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। एक्चुअली मैंने भी ऐसा बात बोला हुआ है और बहुत सारे लोगों के शॉर्ट्स में, वीडियोज़ में मैंने देखा है, लोग ज्ञान देते हैं कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिल टूट जाएगा। लेकिन रियली अगर मैं एक्सपेक्टेशन ना रखूं, अगर किसी से प्यार करती हूं उससे मैं कुछ एक्सपेक्ट ही ना करूं, तो इससे अच्छा मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए, राइट? वी कैन बी लाइक नन, राइट? किसी से कुछ एक्सपेक्ट किए बिना, स्पेशली जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे अगर मैं कुछ एक्सपेक्ट ही ना करूँ, तब वैसे रिलेशनशिप का मतलब क्या है? और आप लोग ही बोलिए, क्या सच में हम लोग बिना एक्सपेक्ट किए जी सकते हैं? इज़ इट रियली पॉसिबल? हम लोग मुँह से कुछ भी बोले, वी डोंट वांट दिस, ऐसा नहीं चाहिए, कुछ भी है, हम लोग वी कैन बी लाइक दैट, बट समहाउ दिल ही दिल में, मन ही मन में, वी आर एक्सपेक्टिंग। आई थिंक सच सबको मानना चाहिए, फेक बातें सही नहीं होता है। तो इसलिए इंसान की तरह सच बोलना चाहिए और बोलना चाहिए, या वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड एक्सपेक्टेशन है बॉस। अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तब तो हिमालय में जाकर संन्यास धर्म लेकर हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। तब प्यार, मोहब्बत, दोस्त, और दोस्त लोग उन लोगों तो फ्रेंड्स का ही सोचिए। अगर फ्रेंड्स हम लोगों के साथ जब निकलते हैं, हम लोग जब फ्रेंड्स के साथ निकलते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अस, एंड वी आर ऑल्सो सेम एट द सेम टाइम, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैम, एंड दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। इसमें कुछ गलत बात तो है नहीं ना? कोई ओकेशन में किसी ने किसी को कुछ दिया या किया, बोल सकते हैं कि तुमसे तो कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन आस्क योरसेल्फ, क्या आप खुश नहीं होते हैं कोई कुछ देता है तो? आई थिंक मैं नहीं झूठ बोलना चाहती, मुझे अच्छा लगता है। अगर SMS मैंने किसी को किया और उस इंसान ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो दोबारा मैं उस आदमी का मुंह ना देखूं? और ये नेचुरल है बॉस। अगर मैं किसी को अपना टाइम इन्वेस्ट करके मैसेज कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, उसको भी करना चाहिए, नहीं तो वैसे टाइप का रिलेशन का क्या फायदा? आगे पीछे मंडराने वाला, वैसा ही तो रिलेशनशिप होता है ना? तो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है एंड बूढ़ा टाइप, सन्यासी टाइप लाइफ किसको चाहिए? वो तो लोग जब मर भी जाता है तब भी लोगों को एक्सपेक्टेशन ही रहता है कि मैं सही से मर जाऊं, मुझे कुछ ये प्रॉब्लम ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो। अगर उस टाइम पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट नाउ? आप लोगों को क्या लगता है, मैं गलत हूँ? हूँ तो हूँ, बट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए।